कि यहाँ पे वगैरह वगैरह। अब आगे भगवान की मर्जी क्या होता है, अगर मिल गया तो राम राम कर देंगे। अगर नहीं मिला गाइस ये ब्लॉग आ गया तो सोच रहे ना हमको नहीं मिला, और अगर ब्लॉग नहीं आया तो आपको तो क्या ही पता चल रहा है कि मिला नहीं मिला। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ ट्रैक करने के लिए। तो मेरे साथ में है दीपू और कल्ला और काड़ू, हम तीनों चारों जा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए और काफ़ी तेज़ धूप वगैरह पड़ रही है और काफ़ी दिन से अच्छा मौसम है, दो तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो सोचते हैं कि चलते हैं पहाड़ों पर ट्रैक करने के लिए, तो लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए क्योंकि काफ़ी हरा भरा मौसम हो रखा है और हरे भरे डूंगर हो रखे हैं। हरा भरा मौसम से कहने की तात्पर्य ये है मेरा, बारिश हो रही है, कि बारिश हो रही है हल्की हल्की। और काफ़ी दिनों से क्या है ना, काफ़ी तेज़ धूप थी और तीन चार दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए मौसम भी मस्त हो रहा है और डूंगर भी हरे भरे हो गए। सोचते हैं घूमे आते हैं। तो मैं, दीपू और हमारे साथ में कल्ला, तो मैं से आए थे, हमारे साथ साथ में हमारा कुत्ता भी है, तो इसको घुमा लाते हैं, हम भी घूमेंगे। भाई है मेरा साथ में उसके, हाँ इधर वाला भाई है, इधर वाला कुत्ता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। यहाँ से हमारा वन विभाग स्टार्ट है और हम जा तो रहे हैं घूमने के लिए, पर क्या है बोलते हैं कि यहाँ पे वगैरह वगैरह आता है, तो जा तो रहे हैं यहाँ से। अब आगे भगवान की मर्जी क्या होता है, अगर मिल गया तो राम राम कर देंगे। अगर नहीं मिला गाइस ये ब्लॉग आ गया तो सोच रहे ना हमको नहीं मिला, और अगर ब्लॉग नहीं आया तो आपको तो क्या ही पता चल रहा है कि मिला नहीं मिला। खत्म है मास्टर सिस्टम भी। शायद एक कुत्ता आ जाए, कुत्ते को दिखाएंगे हम आ जाएंगे बच के। तो जा रहे हैं बस फिलहाल, और रास्ते दिखाऊंगा आपको कैसे रास्ते आगे। डूंगरों में ऐसे रास्ते होते हैं, कच्चे पक्के, कहीं से खुदे, कहीं से क्या, मिट्टियों के टीले। यहाँ पे बनाया गया था डैम टाइप में कुछ, तो पानी रोकने के लिए, और पानी भरता ही नहीं है यहाँ, इतनी बारिश ही नहीं होती कि पानी भरे, बस थोड़ी बहुत कभी जभी कीचड़ जैसा हो जाता है बस। इसलिए बोलते हैं गाइस ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। और इस टाइम हम चल रहे हैं वन विभाग की ज़मीन में, पूरा वन विभाग है, पूरा जंगली क्षेत्र। तो चलते हैं गाइस, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं आगे कैसा रास्ता, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो तो चलिए हम आगे चलते हैं, देखिए अब क्या ही करें, आगे चल रहे तो चलो आगे चलना पड़ेगा। नहीं भरतपुर की भाषा बोल पड़े, देखिए ये बोल रहे हैं मेरे को भरतपुर की भाषा बोलने के लिए, लेकिन क्या करूँ इतनी भरतपुरी आती नहीं है। ये तो है हमारा भरतपुर पूरा, देखते हैं। चलो भैया चलो, धीरे धीरे आ रहा हम आराम से, वैसे हमको तो एक्सपीरियंस है यहाँ पर चढ़ने का। रील रील का आएगी पहले, जब व्लॉग बन रहा हो, जब आई बात को व्लॉग है, चल रहे हैं तो हम धीरे धीरे आराम से। अरे तो हम किसी की ओर नहीं करेंगे, हम खुद का अपना कंटेंट नहीं व्लॉग बनाएंगे। तो इतनी देर चल रहे थे हम मिट्टियों के इसमें टीले, हमारे यहाँ टीले बोलते हैं मिट्टियों के, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं पत्थरों के डूंगर, जिसका पहाड़ बोलते हैं पत्थरों वाले। तो यहाँ से चढ़ रहे हैं, और ऊपर है हमारे एक मंदिर है, और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाता है ऊपर, सात पहाड़ के लिए, तीन पहाड़ के लिए, तीन पहाड़ के लिए तो खैर दूसरा रास्ता, और हम तो खैर आते करते रहते हैं यहाँ पे। देखिए कैसे फटाफट चले जाते हैं, और अभी से सांस फूलने लग गया मेरा तो। और बस 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 बस, ज्यादा नहीं, अपने इमोशन को कंट्रोल करो। तो ये हमारे यहाँ का व्यू पॉइंट, और हम आके बैठ गए, और इस साइड है हमारा मकान बिल्कुल जंगल साइड में, और ये है पूरा बालाजी का नज़ारा, जो भी आपको सिटी दिख रही है पूरी सिटी टाइप में, बालाजी, बालाजी का मंदिर, बालाजी वो आपको दिख रहा होगा सामने, बालाजी मूर्ति, और ये कुछ पगडंडे सी दिख रही है यहाँ से जाती हुई, ये हमारे घर के लिए रास्ता जा रहा है, पूरा सामने घर।
और ये बैठे हैं पसीना आ गए सबके। आप के परेशान बेचारा सोचने सारे एक दिन में कहां ले आए अपनी जिंदगी में बेचारा नहीं हो गया। अरे चलें ऊपर कहीं आए बैठोगे चलें ऊपर और खजा होगा ऊपर जाएंगे ऊपर तक अब तो ऊपर तक जाएंगे ऊपर वो और बैठा रहता नहीं कल्ला अभी नहीं जाएंगे इतने जल्दी ऊपर मत जाए यार कल्ला अब तो बैठा ऊपर पैंथर और बैठा रहता ऊपर ओए पैंथर और बैठा रहता ऊपर क्या हो गया हार्ड मास मैं रख लेगा तेरा इसको फोन चला करेगा फिर तेरा इसको बले का पकड़ा नहीं कुत्ते को पहले पकड़ता है इंसान तो इतना वो नहीं लगता उसको कुत्ता गाय बकरी इनको पहले पकड़ता तो गाइस थोड़ी देर बैठ लिया हम यहाँ पे और अब चल रहे हैं नीचे तो भाई आराम आराम चल रहा बिल्कुल आराम आराम से पैर और पे चल रहे हैं यहाँ पे देखो बिल्कुल कड़ी चट्टान है देख हमारा जिसने भी यही गिरा पहले और बाप कल आराम थे बेचारा कुत्ता ही फंस गया हमारा तो रास्ता नहीं मिल रहा उसको आया तू भी फंस गए कल्ला पागल हो वो इधर है ना रास्ता उधर क्यों क्या तू है मुझे पता था इधर रास्ता है भाई पागल हो गए भाई हमारे तो यार दोस्ती पागल हो गए बावरचोदी वाला है दी पता नहीं खाका से आ जाती है हम कुछ भी बोलते हैं तो उसका वो मत करना क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं व्लॉग तो गाइस देखो हमको इतना व्लॉग बनाना तो आता नहीं है और जैसा तो जैसा बन रहा है वैसा देख लेना रो बना रहे हैं बिल्कुल कोई एडिट वेडिट नहीं होगा बीच में ना कोई कट होगा बस चल रहे हैं ओए कुत्ते को मत मारो यार ये बात गलत है यार बताओ इतनी ऊपर इतनी सी ऊपर चढ़े इसमें थक गए थके नहीं हम तो अंधेरा हो जाएगा इसलिए तुरंत आ रहे हैं वापस हाँ बगेरा का भी डर है ना काफी हम ऐसे थोड़ी है हम हमारी ऐसी थोड़ी करवानी किसी के और क्या हम तो क्या अभी तो हमको बहुत ब्लॉग बनाने हैं बहुत बहुत आगे जाना है ना दीपू हाँ अगर तुम लोग सपोर्ट ये हमारे लीडर हैं जो आगे आगे चल रहे हैं उनके पीछे कुत्ता उसके पीछे एक और कुत्ते आगे वाला सौरभ जोशी उसके पीछे वाला कैरी मिनाटी तो गाइस फुल सपोर्ट दिखाना और काफी दिन बाद में ब्लॉग बनाए तो चैनल पे पूरा सपोर्ट और बोलो जय श्री राम हर हर महादेव हर हर महादेव हिंदू सनातनी धर्म सनातनी है ना देखो अब तो आ गया धारा बेटी देख रास्ता पता अब तो इसको एक बार घुमा लाया ना आया या माना कोई की बात है इसे मेरी बात मानेगा ओए खुला रुको रुको दे रुको रुको मेरे झगड़े में रुको दे रुको ने बोल दो भाई साहब पसीने पसीने हो गए पसीने आ गए ना भाई पसीने तो आने दीपू के 6000 खर्च करके आया डूंगर में 6000 का क्या लिया तुम डूंगर में 6000 खर्च का हो गया मेरा तो तो गाइस अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक करो कमेंट करो और शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवाओ क्योंकि बहुत दिनों बाद हमने ब्लॉग डाला है तो प्लीज सपोर्ट की जरूरत है इसलिए हमारा साथ दे और हो सके तो ब्लॉग रेगुलर लाएंगे जितनी कोशिश कर सके उतनी करेंगे क्योंकि क्या हमारे पास कंटेंट नहीं मिलता
क्या बना है, और अकेले रह जाते हैं तो ऐसे ही। अभी तो क्या हम तीनों चारों हैं तो बना लिया थोड़ा बहुत ब्लॉग, वैसे हमको टाइम नहीं मिलता। टाइम तो खैर ऐसा कुछ करते भी नहीं है पर भी टाइम नहीं मिलता।